हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और बड़े टाइम बाद मुझे लगा कि डोसा बना लेना चाहिए। वो ऐसा है, देखो पंजाबी स्टाइल में बोल रहा हूँ, डोसा डोसा नहीं होता, डोसा ही होता है। बट डोसा बनाने का कारण ये है कि वो धोना भिगोना सुखाना वाली जो रेसिपी है ना, वो हम नहीं बना रहे हैं। एक झटपट सिंपल अच्छी सॉफ्ट डोसे की रेसिपी बना रहे हैं, जैसा कि आपको चेन्नई में मायलापुर टेम्पल के बाहर मिलता है। बिल्कुल क्लासिकल ओरिजिनल टेक्सचर वाला शॉर्टकट का डोसा। कड़ी पत्ता हमने तोड़ लिया है, रेडी हो जाइए मिलिए म्यूजिक के बाद। अब देखिए शॉर्टकट क्यों, शॉर्टकट जो है वो इसलिए कि ये जो डोसा रेसिपी है ना, ये आपकी 10-15 मिनट में रेडी हो जाती है, झटपट फटाफट, ठीक है। और लगे हाथ आपको एक बढ़िया सी जिंजर चटनी की, कोकोनट चटनी तो मैं दिखा चुका हूँ ना, तो इसलिए मैंने कहा जिंजर चटनी की रेसिपी दे देते हैं और साथ में आपको दे देते हैं एक अच्छी आलू की स्टफिंग। 1.5 कप रवे के अंदर हमने डाला है 1.5 कप दही और उसके अंदर 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी, लगभग 2 चम्मच पोहा लेंगे, 1, 2। ये 2 चम्मच पोहे को पानी में कर लेंगे सोक। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल। 2 मिनट के लिए पोहे को छोड़ना है, बिल्कुल नरम नहीं करना, बस इतना बहुत है। ये लीजिए, ये गया पोहा, ये गई थोड़ी शुगर, सॉल्ट, और ये जो रवा आप लेंगे ना, आपको लेना है बिल्कुल बारीक वाला रवा, और ये ऑप्शनल है लेकिन मैं हमेशा डालता हूँ। ये भुने चने की दाल, क्या है डोसे में जब तक दाल ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ये भुने चने की दाल है, ये लाइट भी होगी, वो नेसेसरी प्रोटीन भी देगी और डोसे को डोसा भी बनाएगी, वरना तो बेसिकली दही में रवा हो गया ना। अगर आप दाल डाल रहे हैं ना तो उसको 1 कप पानी कर दीजिएगा, 1/4 कप की बजाय 1 कप पानी कर दीजिएगा, दाल भी पानी पिएगी ना। तब तक बनाते हैं, क्या बनाएं, पहले स्टफिंग बनाएं कि पहले चटनी बनाएं, एक ही बात है, स्टफिंग बना लेते हैं, चलिए चटनी बना लेते हैं। इक्वल क्वांटिटी ऑफ चना एंड उड़द, 1/2 धनिया, 1/4 जीरा एंड लॉट्स ऑफ कलर्ड रेड चिली, कलर वाली रेड चिली, ठीक है। ये लो जी ऑयल, हियर वी गो। ये डोसे का जो आपने बैटर बनाया ना, इसके अंदर सोक करी हुई मेथी भी डाल सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब धनिया के भुनने की स्मेल आ जाए, दाल की नटीनेस आ जाए, मतलब डन, ठीक है। देखिए ये ना, अगर आप आंध्रा जाएंगे तो डोसे के साथ आपको मिलेगी मिलेगी, अलम चटनी बोलते हैं इसको, अलम यानी जिंजर। कोकोनट चटनी भले ही ख़राब हो जाती है लेकिन ये दिनों दिन चलती है, फ्रिज में पड़ी रहे तो 10 दिन कुछ नहीं होता इसको। गार्लिक ऑब्वियसली कम, जिंजर ज़्यादा। हेलो जी, ऑयल, दाल, मसाले और मिर्ची, ठीक है ना, ये चीट है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐसे ही कच्चा ही डाल देना आप। इसके अंदर डालेंगे गुड़, देखिए मैं सोक्ड इमली डाल रहा हूँ, गुड़ और इमली बराबर बराबर। अगर आप चाहें तो इमली का एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, मतलब इमली को सोक करके छान के भी डाल सकते हैं, वरना साथ में पीस दीजिए। आंध्रा फूड इज़ ऑल्सो वेरी रॉ एंड रस्टिक, है ना, उसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं होता। थोड़ा नमक डाल रहा हूँ मैं और अब ये जाएगा पिसने। इसको एकदम बारीक बढ़िया से पीस लीजिए, थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, ऊपर से पकड़िएगा, गर्म है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, अब इसी तरीके से आप रवा इडली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इडली बनानी है तो इस बैटर को पीसना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो हमने पानी डाला है, पानी नहीं डालना, सिर्फ रवा और दही, ये 2 चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसको बीट करना है ताकि पोहा जो है उसके अंदर पिस जाए, सोक किया हुआ पोहा। आप चाहें तो यहाँ पर दही को 75% भी कर सकते हैं, ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। पीसेंगे तो फिर इडली नहीं बन पाएगी, पीसना नहीं है उसको, बस मिक्स करना है। ये हो गया जी बैटर रेडी। अब इस बैटर में डालिए अपना तेल में गुला हुआ इनो या बेकिंग सोडा, इसको करिए मिक्स। अब अगर चाहें तो इस बैटर को 10 मिनट छोड़ सकते हैं,
आप चाहें तो बगैर इनो डाले इस बैटर को घंटा भर भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा इसको। लेकिन अगर बनाना है तो इनो डाल के 2 मिनट तो दीजिए कम से कम, या बेकिंग सोडा आप जो भी डाल रहे हैं, और दे सकते हैं 10 मिनट दे दीजिए, उससे क्या है ना ढल जाएगा या अच्छा मतलब टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। डन, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए इसकी शक्ल देख लीजिए अलम चटनी की। तेल डालने में कंजूसी नहीं करनी इसमें, ठीक है। ये वो चटनी है जो आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो तेल से और इमली से प्रिजर्वेशन होगा इसका, और टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा और जिंजरी होना चाहिए, वही इसकी मोनोपोली है। सुपर। ये डोसे का मसाला बना रहे हैं हम लोग आलू को सिर्फ क्रश करके, आलू की सब्जी नहीं बनानी इसलिए उसको बस ऐसे हाथ से क्रश कर लेना। और अगर आपके पास लोहे का पैन है ना, लोहे का तवा है जिसको आप सीजन करना चाहते हैं, नॉनस्टिक बनाना चाहते हैं डोसे के लिए, क्योंकि डोसा जो है जैसे यहाँ पर लोहे का है, लोहे के तवे पर ही अच्छा निकलता है, नॉनस्टिक पे अच्छा नहीं निकलता, तो आप उस नॉनस्टिक बनाने की विधि को देख सकते हैं। हमने एक रेसिपी बनाई थी 5 तरह का चीला, तो उसमें प्रॉपरली विधिवत बताया है कि कैसे लोहे के तवे को सीजन करते हैं हम, उसको नॉनस्टिक बनाते हैं, जरूर देखिएगा। हरी मिर्च और प्याज काट लेते हैं मसाले के लिए, ये लीजिए रफली रफली चॉप। तड़के के लिए उड़द दाल, चना दाल, राई, हींग, दाल के ब्राउन होने का वेट करना है, दाल की नटीनेस नहीं निकली तो बेकार है सब। और जैसे ही प्याज नरम हो जाए उसके अंदर डालना है नमक, हल्दी और आलू। ये हमारा डोसे का मसाला भी हो गया रेडी। मसाले को गरम करके साइड रख देते हैं, तब तक आप एक काम करिए 1.5 मिनट लीजिए और डोसे से दोस्ती कर लीजिए। हैं, डोसे को डोसा क्यों कहते हैं, डोसे की शुरुआत कैसे हुई, 1.5 मिनट लगेगा सारा। देखिए अगर डोसे की बात होती है तो उडुपी की बात होती है, राइट। क्या है ना, ये कहा जाता है कि पहला मसाला डोसा उडुपी में इन्वेंट हुआ, कुछ लोग कहते हैं डोसा उडुपी में इन्वेंट हुआ। एक स्टोरी बड़ी मजेदार है, वनो शेयर भाई। ये कहा जाता है कि एक बहुत जूनियर प्रीस्ट थे, तो वो नए नए प्रीस्ट बने थे, तो उनको एक दिन ये लगा कि नहीं मुझे अल्कोहल पीना है। उन्होंने चावल को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन नहीं माना, तो जो फर्मेंटेड चावल था उन्होंने उसके पेस्ट से एक पैनकेक बना दिया, जिसे डोसा कहते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में वो दोष था, तो वो दोशा जो था वो दोशा की वजह से ये दोशा बना। यू नो ट्रू और फॉल्स आई डोंट नो, बट द स्टोरी इज वेरी फैसिनेटिंग। एक और स्टोरी है कि ये कहा जाता है कि उडुपी कुक्स ने ही केटरिंग करी थी पूरे महाभारत में, और उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि कितने लोग रोज जो है वो मर जाएंगे, कैसे आपका खाना रोज बिल्कुल पूरा पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम जाके श्री कृष्ण को पीनट्स देते हैं, वो जितने छिलके फेंकते हैं हमें पता है कि अगले दिन उतने लोग जो है वो कम हो जाएंगे हमारी केटरिंग में। हाउ फैसिनेटिंग। अभी अलम चटनी जो है ना फिनिश करनी रह गई है, फिनिश करने के लिए तड़का मारना जरूरी है उसको, ठीक है ना। ये गई राई, कड़ी पत्ता, और अगर बटन चिली है तो बटन चिली डाल दीजिए थोड़ी। ये है अलम चटनी की कंप्लीट कहानी, ये देखिए। और इसमें ये जो मैं इतना तेल डाल रहा हूँ, तेल ज़रूरी है साहब, अगर 15 दिन की गारंटी ले रहा हूँ तेल डालना पड़ेगा थोड़ा, और तेल नहीं तड़का है। सबसे अच्छा नॉनस्टिक का जुगाड़ है प्याज, टेस्ट करने दिया तो चीज़ क्या की क्या हो गई, देखिए आपने। फर्स्ट क्लास जाला बन रहा है, देखिए थोड़ा बटर या घी। देखिए आप चाहें तो इसको डोसे की तरह फैला सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं,
लेकिन जो भी सॉफ्ट डोसा होता है, जो कि एक्चुअली डोसा है जिसको हम बोलते हैं, जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट ही होना चाहिए, वो थोड़ा मोटा रहता है, बिकॉज उसकी खूबी जो है उसका जाला होता है, उसका नेट होता है. सो इफ़ यू वर टू सी दिस, ये जो नेट है यही इसकी मोनोपोली है, राइट? ये जो जाला है यही इसकी मोनोपोली. अगर आप पतला वाला, वो नॉर्थ इंडिया में जो क्रिस्प डोसा खाते हैं, वो साउथ में नहीं खाया जाता है, राइट? दिस इज़ अ टिपिकल साउथ का डोसा. अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये डोसा बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको पलट के ऊपर से प्रेस मत कीजिए. अगर पलट भी रहे हैं तो बस हल्का सा उसको हीट कीजिए. बस डोसे की जो स्ट्रेचेबिलिटी है, नरमी है, वही उसकी मोनोपोली है यहाँ पे. ये देखिए. जो मर्जी करिए आप, पकड़िए, मोड़िए, तोड़िए, फिर खोल लीजिए, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है? मैंने कहा इस बैटर से आपको वो डोसा भी दिखा देता हूँ जिसको आप लोग या हम लोग नॉर्थ में या बाकी जगह पे डोसा बोलते हैं. ये लीजिए, इसको तो पहचानते हैं ना आप. देखिए, मर्जी है आपकी. अगर डोसा है आपका, मैं ये वाले की प्लेटिंग कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं. मतलब मुद्दे की बात यह है कि डोसा आप छोटा बनाएं या बड़ा, दोनों तरफ से पकाएं या एक तरफ से, लेकिन ये रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो एक क्यूब बटर, वाइट या येलो, ऊपर डालिए. मज़े देखिए साहब, बटर जो है ना वो ऐसे स्पॉन्ज की तरह यूँ खींच लेगा डोसा, और उसके बाद जो टेस्ट आएगा ना, आप कहेंगे रणवीर आपने अब तक बताया क्यों नहीं. रणवीर ने बताया था, रणवीर ने ये भी बताया था कि एक दिन वो असल डोसे की प्रॉपर फर्मेंटेशन वाली रेसिपी भी बताएगा, लेकिन वो दिन आज नहीं. आज का दिन था क्विक डोसे का. उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. मैं लेने वाला हूँ एक डोसा, उसमें डालने वाला हूँ अपनी अलम चटनी, ठीक है ना, ऐसे जैम की तरह. उसमें डालने वाला अपना आलू का मसाला, ठीक है ना, और उसके बाद आपको देख देख के ऐसे इसको करने वाला हूँ फोल्ड. ये देखिए, ठीक है ना, उसके बाद आपको दिखा दिखा के ऐसे खाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं खा के आपको चिढ़ाता नहीं हूँ, आपको लगता है रणवीर मजाक कर रहा है. मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा बना. मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बनाएगा जरूर. थैंक यू वेरी मच. तृप्ति होगी, तृप्ति. एक बार ट्राई करिए आलम चटनी, ये जिंजर चटनी ट्राई करिए साहब, सब भूल जाएंगे आप, अपनी कोकोनट चटनी भूल जाएंगे, हमारा वादा है. और फिर आप हमसे यही कहेंगे कि रणवीर आपने पहले क्यों नहीं बताया ये जिंजर चटनी.